दोस्तों पेट के बायोगोला की दवाई। बायोगोला उठता है तो ऐसा लगता है बहुत दर्द होता है, ऐंठन सी होती है पेट में, पेट में बहुत ऐंठन सी होती है, मतलब दर्द होता है बहुत, उदर सूर जिसे बोलते हैं। तो मैंने उसको एक नुस्खा बताया था उसके लिए, बहुत पहले नुस्खा बताया था, गुड़ में मिर्च, लाल मिर्च मिक्स करके पीस, उसको थोड़ा आग में भून के लाल मिर्च को और गुड़ में मिक्स करके 2 गोलियां बना के खाना खाने से पहले एक देनी है, फिर 2 घंटे बाद एक देनी है, उस बीच ना तो खाना खिलाना ना पानी देना है, ये बताया था मैंने। तो कुछ लोगों ने ये यूज़ किया, उनको लाभ नहीं हुआ, तो मैं बताना चाहूँगा फिर से नियम इसका। देखो मिर्च लेनी है 2 आपको, ठीक है, उनको भूनना है, पीसना है खूब मिर्चों को, मिर्चों को पीसने के बाद इतना गुड़ लेना है इतना, ठीक है, इतना गुड़ लेने के बाद उसको खूब मस लो, या उसी मिर्च उस मिर्च के सिलवटने में डाल के उसको पीस लो, पीसने के बाद उसको मिक्स करके छोटी छोटी गोलियां 2 बना लो, एक गोली अभी दे दो खाली पेट, ठीक है, सुबह ही देनी खाली पेट, एक गोली अभी खाली पेट दे दो, इसके कम से कम 2 घंटे बाद एक गोली फिर दे दो, इस बीच ना तो पानी देना है ना खाना खिलाना है। अब देखो एक भाई ने बोला था ऐसे तो मार दोगे आप, देखो ये नियम होता है, मारने वाले अगर मर जाओगे तो भाई मत खाना, ठीक है, कोई जरूरत नहीं इसको यूज करने की, कोई जरूरत है नहीं यूज करने की। दूसरी बात, अगर उदर सूल है तो आपको क्या करना है, नींबू के छिलके, अगर कभी उदर सूल उठता है, बायोगोला का दर्द उठता है, तो आपको नींबू के छिलकों को खाना है, ठीक है, इससे उदर सूल बायोगोला का दर्द बंद हो जाता है। तो यही है उपाय, हमने कहा लाओ आप लोगों को बता दिया जाए। बहुत बहुत दिन पहले मैंने ये नुस्खा डाला था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा ये मतलब काम नहीं करता है, ऐसा नहीं है काम नहीं करता है, आप कहोगे तो मैं दिखा दूंगा, मेरे यहाँ पे आते हैं लोग, उनको अम्मा या पापा बना के देते हैं, मैं नहीं बना के देता, अम्मा पापा बना के देते हैं, और उनको लाभ होता है 100%, ठीक है। तो बस यही है, नमस्कार, चलता हूँ, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार वालों का, घर वालों का, नमस्कार।